अब हम लोग जा रहे हैं क्या करने, क्या करने, खाना खाने, खाना खाने, मतलब ब्रेकफास्ट करने हम लोग जा रहे हैं। और अभी देखो क्या कर रहे हैं, हम लोगों को इतनी बार बुला लिया बट हम लोग जाने को तैयार नहीं है। देखो गाइस क्या हुआ, सडनली मेरी चप्पल एकदम टूट गई और ब्रेक हो गई। आपको बकरियाँ देखी, बकरियाँ यहाँ पे है, बोरी बकरियाँ, गाय भी है, बहुत है, बहुत कुछ है। ब्रेकफास्ट करने किस किस ने कर लिया ब्रेकफास्ट मेरे अलावा? सबने कर लिया, मतलब मैं ही रह गई हूँ। नहीं मैंने नहीं किया अभी। वापिस जा रहे हैं खाना खाने, लंच करने ना। हाँ लंच करने, लंच करने जा रहे हैं हम, लंच वंच करके फिर कपड़े चेंज करने हैं ना, सबको करने नहीं, उन्हें कर लिए चेंज। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, और अभी सुबह के कितने बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं अभी जस्ट सो के उठी हूँ। अभी जाऊँगी फ्रेशन अप होने के लिए। हाँ फ्रेशन अप होने के बाद फिर आपसे मिलूँगी और मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना पार्ट टू यहीं से। और अभी आपको देखने को मिलेगा खाने का पीने का सब कुछ, डांस वांस सब कुछ मिलेगा देखने के लिए, ठीक है? तो प्लीज़ स्टे ट्यून इन द व्लॉग। और चलो मैं फ्रेशन अप होके फिर आपसे मिलती हूँ, बाय। सो गाइस ब्रश नहीं था मेरे पास, ब्रश मंगाया, देख लो हिमाचली ब्रश, ब्रश ब्रश करके फ्रेशन अप होके फिर मैं आपसे मिलती हूँ, चलो बाय बाय। सो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं क्या करने, क्या करने, खाना खाने, खाना खाने, मतलब ब्रेकफास्ट करने हम लोग जा रहे हैं। और अभी देखो क्या कर रहे हैं, हम लोगों को इतनी बार बुला लिया बट हम लोग जाने को तैयार नहीं है, हीटर से आगे हटने का तैयार नहीं है। पानी इतना ठंडा है ना, इतना ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। अरे मुँह धोया मैंने, बस मुँह धोया, मेकअप भी नहीं छुटाया, ऐसी नॉर्मली पानी से बस वॉश आउट करके बाहर निकल गई मैं तो, मेरे बस की नहीं है। हीटर के आगे वो सब थोड़ा सा सेक साक के फिर नीचे जाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है और मिलाएंगे शिबू से। शिबू तो बहुत ज़्यादा बिजी है आजकल, शिबू नीचे ही है, चलो फिर चलते नीचे जाओ। ठीक है चलो 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 बाहर चलेंगे। कितने नीचे, हाँ चलो चलो चलो। इतना मस्त लग रहा है ना, अभी तो बर्फ नहीं है ना, बर्फ है थोड़ी पहाड़ दिख रही है ना, ये त्रिकुंड के पहाड़ है, त्रिकुंड त्रिउंड त्रिउंड हाँ त्रिउंड पर ट्रैकिंग होती है, मस्त लग रहा है। वो जो दिखता है ना वो मतलब वो मैकलो है। अच्छा उसी की कह रहे थे हमें 1.5 घंटा लगेगा जाने। देखो गाइस क्या हुआ, सडनली मेरी चप्पल एकदम टूट गई और ब्रेक हो गई, अब मुझे चेंज करने ऊपर आना पड़ा दोबारा से। अब खाना खाने बाद में जाऊंगी, पहले चप्पल चेंज कर लेती हूँ मैं, उसके बाद ही खाऊंगी। ये रहे हमारे लगेज एंड माय शूज़, जीन्स वीन्स सब ऐसी पड़ी हुई है, बैग्स वगैरह सब यहीं पे हैं। अब मैं पहले चेंज कर लेती हूँ वरना चप्पल का तो बहुत बुरा हाल हो गया है, आप देख सकते हैं कितना ही बुरा हाल हो गया है। और अब मैं जुड़वाने भी नहीं जा सकती, मार्केट बहुत दूर है यहाँ पर। पता नहीं यार मेरे साथ ही क्यों ऐसा केस होता है, जब मुझे कहीं जाना होता है या फिर कहीं मैं चली जाती हूँ तो सडनली मेरे साथ कुछ ना कुछ ट्रेजेडी तो घटनी घटनी है। अब ये चप्पल टूट गई, आपको दिखाती हूँ मैं, रुक जाओ, ये देखो ये चप्पल टूट गई मेरी। मतलब घर में कुछ नहीं होना पर बाहर अगर आप निकल गए ना तो आपका कुछ ना कुछ सब कुछ ख़राब होना ही होना है। अब यानी मेरे को शिबू ने दी है चप्पल अपनी, देखते हैं उसकी उसकी ही वेयर करनी पड़ेगी अभी तो मुझे, क्योंकि अब मैं मार्केट भी नहीं जा सकती नहीं लेने के लिए, ना जुड़वाने के लिए जा सकती, क्योंकि मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे। और ब्रेकफास्ट भी नीचे चालू हो गया है और सब लोग बोले जा रहे हैं, सब ने कर लिया, बस मैं ही रह गई क्योंकि मैं लेट, यार दिल्ली वाली आदत इतनी जल्दी थोड़ा छूटेगी कि लेट उठना लेट खाना पीना, तो इस वजह से। बाकी चलो मैं स्लीपर चेंज कर लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइज मुझे अभी ये वाली स्लीपर दी है शिबू ने, जूती अब यही वियर करनी पड़ेगी मुझे, बट अच्छी है, चलो कम्फर्टेबल है, पहन सकती हूँ, बट मेरा साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, शिवू का थोड़ा छोटा है मेरे से पैर, सो इसलिए थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लग रहा है, बाकी तो सही है। एंड स्लीपर आप देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है स्लीपर,
वैसे तो मस्ती है। चलो कुछ तो अच्छा हुआ। चलते हैं जल्दी से फटाख से ब्रेकफास्ट करने, नहीं तो डांट पड़ जानी है और पता चले कि हम ब्रेकफास्ट के लिए रह ही जाएं। और ये है मेरा मॉर्निंग आउटफिट विद नाउट वाइट फिट प्लस आप कह सकते हो नाइट और मॉर्निंग में दोनों में मैंने पहना है। मेरा लाइनर भी नहीं छूटता यार, देख सकते हो आप कितना अच्छा लाइनर है, वाटर प्रूफ लाइनर, बिल्कुल वाटर प्रूफ। कोई नहीं, अभी स्क्रब करके तब मुझे इसको रिमूव करना पड़ेगा। बाकी ग्लो देख रहे हो आप, मतलब घूमने फिरने के बाद तो ग्लो ही आ जाना है, अपने आप ही आ जाता है चेहरे पे ग्लो। चलो चलते चलते ब्रेकफास्ट करने जल्दी से। है किसके घर? हाँ, शिवू के पापा के भाई के घर पे हैं हम अभी, और हम लोग थोड़ा सा टहलने आ गए थे। ब्रेकफास्ट अब करेंगे जाके, बिकॉज़ उसको आना था, मतलब शिवू की बहन को यहाँ पे आना था, कज़न को, तो उसके साथ मैं भी आ गई यहाँ पे थोड़ा घूमने फिरने। और आपको पहाड़ भी दिखा देती हूँ, यहाँ से बहुत नज़दीक है पहाड़। लाइनर मेरा ऑलमोस्ट छूट गया है, थोड़ा थोड़ा रह गया है, कोई नहीं ये भी छूट जाएगा थोड़ी देर में। ये पूरा घर है उनका, शिवू के पापा के भाई का, काफ़ी अच्छा बना हुआ है, सारे साथ में रहते हैं। आपको बकरियाँ देखें, बकरियाँ यहाँ पे है, गोरी बकरियाँ, गाय भी है, बहुत है, बहुत कुछ है। मिलाऊंगी भी शिवू की कज़न से, जो जिसके साथ में यहाँ पे आई हूँ, थोड़ी सी डिस्टेंस है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, बहुत कम डिस्टेंस है। ये लो मेरे साथ पीछे पीछे दो लड़कियाँ और आ गई, ये आ गई। दोनों फोन पे लगे। ये इनका ही घर है, इधर वाले जो है ना, ये इनका घर है ये। अब कितने चले आप वापिस? ब्रेकफास्ट करने? किस किसने कर लिया ब्रेकफास्ट मेरे अलावा? सबने कर लिया, मतलब मैं ही रह गई हूँ। नहीं मैंने नहीं किया अभी, शिवू कह रही थी अभी बस जाते ही करना है। मैंने मैं आ गई थी आपके साथ रेडी करना। हाँ रेडी करना, मेरे को भी रेडी करना, रेडी करना सबको, मेरे को रेडी करना आपने। हाँ मुझे भी, और मैं रेडी कर, मुझे भी। हाँ सच्ची। हाँ आप चलो भैया अपने घर चल रहे हैं, उसके बाद थोड़ा खाएंगे पियेंगे फिर रेडी शेडी होंगे। यार तुम लोग दो ड्रेस पहनने वाले हो क्या, सुबह मॉर्निंग के लिए और शाम के लिए अलग? यार मैंने तो एक ही लाई हूँ, मैं भी एक ही लाई हूँ ड्रेस, मतलब एक ही लाई हूँ मैं, क्या करें यार। चलो जी वापस चले, कितने रह गए वो, कितने पीछे रह गए, पहाड़ भी दिख रहे होंगे आपको पीछे, पहाड़ पहाड़ पहाड़। हाँ वो रे पहाड़, इतने पेड़ आ रहा है, इतने पहाड़ दिख जाते। हेलो हेलो हेलो, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग पार्ट टू, हिमाचल पार्ट टू। चलो हम लोग जा रहे हैं, बस नाश्ता वास्ता कर ले फिर मिलते हैं यार, रेडी वेडी हो के, बहुत टाइम लग जाएगा। तो मेरा बस रास्ता ही, मेरे को रास्ते की लग रही, भूख लग रही मुझे बड़ी तेज। यार यहाँ का मतलब अच्छा लग रहा है, ग्रीनरी ग्रीनरी पूरे में, दिल्ली में बहुत कम है यार ग्रीनरी, वहाँ देखने को मिलती भी नहीं। देखो कितना डिस्टेंस है, हम लोग पहुँचने वाले हैं, बस कितना सा डिस्टेंस है। ये सरसों है ना? हाँ देखो मैंने पहचान ली, हमारे गांव में भी होती है ना। हाँ हरियाणा में बहुत होती है। आप हरियाणा की? हाँ हरियाणा। ये प्याज है। अच्छा प्याज, प्याज है ये, प्याज है। हाँ ये बीच वाला प्याज है, और सही है, बढ़िया। गोभी है, गोभी। सो फाइनली यहाँ पे मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। सो गाइज आई एम गोइंग टू रेडी फॉर डे पार्टी, मतलब डे में जो भी फंक्शन हो रहा है उसके लिए मुझे रेडी होना है। और मेरा आउटफिट है ये वाला, आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है ये वाला, और ये इसका दुपट्टा है बहुत ही प्यारा सा, सुंदर सा। सो मैं अब जा रही हूँ बाथ लेने, एंड उसके बाद मैं रेडी होंगी। और ये वाला जो आउटफिट है ये मेरा नहीं है, ये शिबू का है। एक्चुअली क्या है ना कि मैं एक ही आउटफिट लेके आई हूँ, मुझे नहीं पता था कि दो आउटफिट लाने हैं,
क्या कर सकते हैं यार, दो आउटफिट में नहीं लेके आ पाई बिकॉज मुझे लगा कि सिर्फ एक ही फंक्शन है और वो सिर्फ नाइट में है, सो इसलिए मैंने नाइट के लिए ही एक ही आउटफिट ले लिया था। अब डे के लिए भी मुझे आउटफिट चाहिए तो फिर मैं क्या करूँ, मैं बाहर भी नहीं जा सकती, मार्केट आपको बताया हुआ है बहुत दूर है, सो इसलिए मार्केट नहीं जा रही। फिर मुझे उन्होंने अपना आउटफिट दे दिया, एक उनके पास था गाउन, तो मैं ये वाला गाउन पहनने वाली हूँ और फिर नाइट में जो है दूसरा वाला गाउन पहनूंगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे देखो कितनी प्रिटी लग रही है, क्यूट सी लग रही है डॉल। मैं अभी अब जा रही हूँ रेडी होने, सब रेडी हो चुके हैं, बस मैं ही रेडी हूँ रेडी होने, अब रेडी होने जाना है बस, फटाफट से रेडी होके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है, सो यहाँ पे जो है शिबू के पापा रिटायरमेंट होके ऑफिस वालों के साथ आए थे, सो उनके लिए रिबन वगैरह कटिंग के लिए यहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ था। सो यहाँ पे गेट पे उनकी थोड़ी आरती वगैरह हो रही है और तिलक वगैरह लगाया जा रहा है। गाइज़ फाइनली आई एम रेडी हेयर, सो ये है मेरा डे वाला आउटफिट एंड आप कह सकते हैं डे मेकअप लुक। सो ये मेरा सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स मेकअप लुक है, मैंने 5 मिनट्स में ये क्रिएट किया है, सो आई होप ये आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो यहाँ पे आपको कुछ खास दिख रहा होगा, सो यहाँ पे जो है शिबू के पापा और मम्मी जो है नानी जी को रिंग पहना रहे हैं, सो इन्होंने सबके लिए घर में परिवार जितने भी मेंबर्स हैं सबके लिए गोल्ड रिंग बनवाई थी एंड वेरी स्पेशल मोमेंट। सो ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मोमेंट है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे शिबू जो है वो अपनी मम्मी एंड डैडी को गोल्ड की रिंग जो है यहाँ पे पहना रही हैं। सो यहाँ पे ये बहुत ही बड़ी बात है, उन्होंने अपनी मम्मी पापा को गोल्ड रिंग गिफ्ट की है एंड रिटर्न में उनके मम्मी पापा ने भी उनको एक गोल्ड रिंग दी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी पहले कि उनके मम्मी पापा ने सबके जितने भी मेम्बर्स हैं मतलब घर के मेम्बर्स हैं उन सब के लिए गोल्ड रिंग बनवाई थी, सो उनके लिए शिवी के लिए भी यहाँ पे गोल्ड रिंग बनी थी। सो गाइज फंक्शन तो हो चुका है बट अभी जो है रिटर्न गिफ्ट्स दे रहे हैं और देना शुरू करेंगे, तो वो भी मैं आपको क्लिप में दिखाऊंगी। बाकी हम लोग भी आउटफिट चेंज करेंगे, थक गए हैं काफ़ी ज़्यादा डांस वंस करके, और चलो फिर देखते हैं कि क्या रिटर्न गिफ्ट मिलने वाला है एंड रिटर्न गिफ्ट दिखाने के बाद फिर हम शायद इस ब्लॉग को नाइट में ओवर कर दें, एंड कर दें एंड सिली एंड जो उसके हाथ में है वही रिटर्न गिफ्ट है, आप देख सकते हैं सबको यही वाला रिटर्न गिफ्ट मिलने वाला है, कंबल मिलने वाला है। जो भी बाहर गेस्ट आए हैं, गेस्ट आप देख सकते हो कितने सारे गेस्ट आए हैं, बहुत सारे गेस्ट आए हैं, फुल हो गया है पूरा हॉल, पूरा का पूरा हॉल फुल हो गया है। इधर से तो नहीं दिखने का, मैं आपको क्लिप में दिखा दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो हम अंदर बैठे हैं, बाहर जगह भी नहीं है बैठने की। बाकी दिस इज़ माई आउटफिट, मेकअप अच्छा हुआ है, 2 मिनट मेकअप। ओके कितने इधर ही, हाँ अब हम लोग जा रहे हैं किधर, इनके घर, इनके घर, ओए फेस दिखाओ, हाँ फेस दिखाओ, हाँ इनके घर जा रहे हैं हम।
ये रहा इनका घर, थोड़ा इनको कपड़े वपड़े चेंज करने हैं, सो हम इधर आ गए हैं। दिस इज माई आउटफिट यार, अभी चेंज भी करना है नाइट के फंक्शन के लिए, है ना। उधर से साफ नहीं आ रहा था, अब आप ही जा रहे हैं खाना खाने, लंच करने ना। हाँ लंच करने, लंच करने जा रहे हैं हम, लंच वंच करके फिर कपड़े चेंज करने हैं ना, सबको करने नहीं, उन्हें कर लिए चेंज, उन्हें कर लिए चेंज, इनको कर रहे हैं, मेरे को भी करने, फिर कपड़े वपड़े चेंज करके फिर मिलेंगे यार। नहीं अभी खाना दिखाना है, लंच दिखाना है, लंच भी देख लेना, उसके बाद ही कपड़े चेंज करने हैं, वापस जा रहे हैं। ये रोड कितना चल रहा है हम लोग, मेरा वेट ऐसे कम हो जाना है, हो जाएगा ना एक दो किलो कम हो ही जाएगा। सो गाइज़ अब हम कहाँ आ गए, हम आ गए हैं लंच करने। सो यहाँ पे हो रहा है लंच और यहाँ पे सबको इस तरीके से ही बिठाकर धाम खिलाया जाता है। और यहाँ पे मैं आपको दिख रही होंगी, मैं ये रही, थोड़ा सा जूम आउट हो गया है मेरी तरफ, सो ये रही मैं। और अब लंच करने के बाद आपको मैं मिलूँगी। और यहाँ पे हो रहा है पानी सर्व और यहाँ पे इस तरीके की पत्तल टाइप कुछ देते हैं। और ये रही शिबू, मिलिए शिबू से। और ये रही ईशु की बहन और यहाँ पे बाकी सब शबू सामने बैठी हुई है। सो यहाँ पे अब सर्व हो रहे हैं धाम, मतलब चावल। सो इस तरीके से यहाँ पे सर्व किया जाता है, जैसे आपने सुना होगा ना लंगर गुरुद्वारे में, उस तरीके से यहाँ पे जो है खिलाया जाता है, काफ़ी अच्छे तरीके से खिलाया जाता है, ऐसा नहीं है, बड़े शांतिपूर्वक खिलाया जाता है, बैठा के आराम से खाओ। और यहाँ पे अब जाके सब्जी मिल रही है और भी बाकी सारी बहुत तरीके की सारी सब्जी थी। सो गाइज अब हम आते हैं अपने सेकेंड आउटफिट पे। सो सेकेंड आउटफिट मेरा कुछ इस तरीके का है, आपको दिख रहा होगा, ब्लैक ब्लैक फ्रॉक सूट है ये, अच्छा लग रहा है। उसके ऊपर मैंने जैकेट पहन ली क्योंकि अब रात का टाइम है, सो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो चुकी है यहाँ पे। और पता नहीं मेरे कैमरे को क्या हो गया है, काफ़ी ज़्यादा ब्लर सा शो हो रहा है, जितनी बार मैंने लेंस इसका क्लीन कर लिया बट फिर भी ब्लर आ रहा है। आई थिंक उसकी वजह से ऐसा हो रहा है या फिर पता नहीं, आई डोंट नो कैसे। सो मैं आपके साथ आउटफिट ना दिखाना भूल गई थी बिकॉज। सो अब हम जा रहे हैं खाना खाने, लाइक डिनर करने, थोड़ा बहुत जो भी मतलब खाना है तो वो खाने जा रहे हैं। उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे फिर नीचे। और जागरण का सारा सामान आ गया है, अब जागरण स्टार्ट होने वाला है, सो वो भी आपको मैं दिखाऊंगी ज़रूर, इसी वाले पार्ट के अंदर आपको वो भी देखने को मिलेगा। सो देखते रहिए व्लॉग को, आगे इन्जॉय करते रहिए। अगर अच्छा लग रहा है व्लॉग तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए वीडियो को, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो। सो एंड कमेंट ज़रूर करके बताइएगा आपको कौन सा पार्ट इसमें, इस वाली वीडियो में अच्छा लगा है। सो चलो फिर मिलते हैं। सो गाइज़ आप लोग सोच रहे होंगे दोबारा से खाना पीना है, हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पे अब हम लोग कर रहे हैं डिनर बिकॉज अब जागरण शुरू होने वाला है, सो उससे पहले यहाँ पे डिनर कराया जा रहा है। अंगीठी जला रखी है, सो उस वजह से ना यहाँ नीचे बहुत ही ज़्यादा ना धुआं धुआं सी हो रही थी, तो उससे मेरी आँखों में लग गया और मेरी आँखों से आंसू निकले हैं। मुझे ना बहुत ही ज़्यादा धुएं से एलर्जी है, तो इस वजह से मेरे आँखों से आंसू निकल जाते हैं थोड़े से ही धुएं से। तो चलो फिर चलते हैं नीचे, इंजॉय करते हैं क्या नाम है जागरण, और मैं जागरण की आपको क्लिप्स दिखाऊंगी नीचे जाके कि कैसा क्या है। और अभी साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा होगा और नीचे तो मेरा साउंड बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, तो सिर्फ आपको क्लिप्स देखने को मिलेगी, ना ही मेरी वॉइस आपको सुनने को मिलेगी, ठीक है। तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ जागरण को इंजॉय करिएगा, ठीक है। Oh, oh, oh.
अच्छे होंगे। सो पार्ट टू का जो है वो मैं कल रात को ना इस व्लॉग का एंड करना भूल गई थी, सो इसलिए मेरे को बहुत ज़ोर से नींद आ रही थी। बल्कि रात को भी क्या, हम लोग सुबह 4 बजे सोए हैं, जैसे कि आपने देखा कल जागरण था, मतलब तो जागरण रात से सुबह तक चलता है। सो रात 4 बजे मैं सुबह, तो भाई मेरी इतनी बुरी हालत हो गई, मैं सो गई, नींद इतनी ज़ोर की आ रही थी मुझे, पूरी रात जगे हुए थे हम लोग। सो गए फिर एंड करना, मैं तो भूल ही गई व्लॉग को। उसके बाद फिर अभी सुबह उठी हूँ तो एकदम से याद आया मैंने तो व्लॉग एंड ही नहीं किया पार्ट टू का। सो पार्ट थ्री भी शायद आपको मिल सकता है देखने के लिए, अभी मैं श्योर नहीं हूँ। अगर कहीं जाते हैं तो मैं आपके लिए बिल्कुल शूट करना है मैंने। उसके बाद अब चलो फिर इस पार्ट टू का भी एंड कर देते हैं। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा लगा आपको पार्ट टू, और पार्ट वन में भी प्लीज़ बता ही देना कि कैसा लग रहा है आपको, और आगे भी आपको पार्ट्स चाहिए कि नहीं ये भी बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलने ही तो हैं ही आपको, क्योंकि ये सारे मैंने एक ही बार डालने हैं, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री जो भी है। तो चलो फिर, ब्रेकफास्ट तो मैंने कर लिया है, ऑलमोस्ट 10 बजे ही ब्रेकफास्ट हो जाता है अभी। हाँ आई नो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है, 11 बज रहे हैं, पर मैं गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ। चलो फिर चलते हैं, फिर बाय। और इस अगर ब्लॉग को अगर आपको अच्छा लगा हो ये वाला ब्लॉग, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और नोटिफिकेशन बेल को हिट भी कर देना, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी।